सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि के लिए बेहद खास है। एक विशेष विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। 2022 के अंतिम तीन महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके लिए कैसे रहेंगे, वृषभ राशि के लिए कैसे रहेंगे, सभी विषय पर जानेंगे और बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। ये तीन महीने आपके लिए कैसे हैं, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या सावधानी आपको रखनी है, क्या उपाय आपको करने चाहिए, ग्रह गोचर, ग्रहों का राशि परिवर्तन, आपकी राशि के अनुसार आपको क्या फल देने में सक्षम रहेंगे। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए करते हैं शुरुआत। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए कैसे रहेंगे। दोस्तों, जब अक्टूबर का महीना शुरू होगा तो वृषभ राशि से ग्रह गोचर की उपस्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी, जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं। आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान है मंगल, आपके 12वें घर में विराजमान है राहु, आपके 6th हाउस में रहेंगे केतु, आपके पंचम भाव में है सूर्य, शुक्र और बुध, आपके नवम भाव में है शनिदेव और आपके 11वें घर में विराजमान है देवगुरु बृहस्पति, जब अक्टूबर का महीना शुरू होगा। आप चलिए जानते हैं क्या फल आपको मिलेंगे इन तीन महीनों में। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा दोस्तों। आपके फर्स्ट हाउस में है मंगलदेव, कब तक, 16 अक्टूबर तक। 16 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, 17 अक्टूबर को सूर्य करेंगे, 18 अक्टूबर को शुक्र करेंगे और 26 अक्टूबर को बुध करेंगे। सूर्य, शुक्र, बुध जाएंगे तुला राशि में और मंगल जाएंगे मिथुन राशि में। दोस्तों, 16 अक्टूबर से पहले आपको अपने पेशेंस पर, अपने क्रोध पर विशेष ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि मंगल आपके फर्स्ट हाउस में है, अपने वर्किंग प्लेस पे या फिर अपने घर परिवार वालों के साथ में, क्योंकि बिना वजह के आर्ग्यूमेंट देखे जा सकते हैं। मंगल आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे, ठीक है, कब तक, 17 अक्टूबर तक, और फिर जाएंगे आपके 6th घर में। एक बात विशेष कहना चाहता हूँ, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना आप, या फिर काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कोई भी बड़ा कुछ करने का, या फिर कहीं पे कुछ एडमिशन लेने का, कहीं ज्वाइन करने का, तो आप करिए ना, क्योंकि शुक्र आपके पंचम में है, फिर आपके 6th घर में स्वयं राशि के हो जाएंगे, तुला राशि के, तो किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 6th घर होता है ऋण, रोग, शत्रुओं का, तो पूरे अक्टूबर से लगाकर मिड नवंबर तक ऋण, रोग, शत्रु पर विजय की प्राप्ति करेंगे तुला राशि वाले व्यक्ति, ठीक है। इसी के साथ में सूर्यदेव भी आपके पंचम भाव में है और साथ में बुध ग्रह भी आपके पंचम भाव में है, अपने घर में है। दोस्तों, आपकी इंटेलिजेंसी, आपका माइंड बहुत अच्छा देखा जाएगा, और अगर मिड नवंबर से पहले अगर आपका कोई एग्ज़ाम है या कोई एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं किसी गवर्नमेंट में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, वहीं मिड नवंबर के बाद आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो शिक्षा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, आपका फोकस नहीं रहेगा, या फिर आपको आलस्य आएगा पढ़ाई में, लेजीनेस, और कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स किसी वजह से आपके मन में जरूर रहेंगे मिड नवंबर के बाद से। वहीं दोस्तों, 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य आपके 6th घर में रहेंगे, नीच के, और जब सूर्यदेव नीच के रहेंगे तो 4th घर के मालिक हैं, आपकी माता जी का स्वास्थ्य में थोड़ी आपको ध्यान रखना है, या तो उनके कफ कोल्ड में उनको वायरल ना हो, और इसका विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्यदेव नीच के रहेंगे, तो कोई भी आप लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के, और कुछ भी 4th घर प्रॉपर्टी का भी होता है, तो कोई प्रॉपर्टी सेल परचेस करते टाइम आप विशेष वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, और कोई भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, लग्जीरियस चीज़ें, तो 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में बहुत अच्छा समय नहीं है, उसके बाद अच्छा है, उससे पहले अच्छा है, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव नीच के रहेंगे तो बाद में कुछ परेशानी या फिर आपको एंग्जाइटी या फिर आपको ओवरथिंकिंग थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। वहीं दोस्तों, फिर सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में, कब, 16 नवंबर में। जब आपके वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे 16 नवंबर में, तब आपकी माता का स्वास्थ्य, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा देखा जाएगा, परिवर्तन आएगा, आपके डेली इनकम का काम है, आपका व्यापार है, तो 16 नवंबर के बाद आपके व्यापार में बदलाव देखा जाएगा। इसी के साथ सूर्यदेव की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे भी पड़ेगी,
जब फर्स्ट हाउस में पड़ेगी तो आपके अंदर थोड़ा क्रोध होगा। अगर आप खुद के मालिक हैं किसी कंपनी के, फैक्ट्री के, तो आपको बस अपने गुस्से पे ध्यान रखना पड़ेगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य की दृष्टि पड़ेगी आपके फर्स्ट हाउस में, और 13 नवंबर को बुध ग्रह भी आपके सेवंथ हाउस में ही ट्रांजिट करेंगे वृश्चिक राशि में। और बुध ग्रह व्यापार के कारक माने जाते हैं। पंचम के लॉर्ड होकर केंद्र में ट्रांजिट करेंगे तो कम्युनिकेशन, कंप्यूटर सेक्टर, इसके साथ में सूर्य है तो मेडिकल लाइन हो गया, हॉस्पिटल्स का क्षेत्र हो गया, या फिर आप कोई मार्केटिंग करते हैं, व्यापार कुछ भी करते हैं डेली इनकम, तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि बुध भी सेवंथ हाउस में ट्रांजिट करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, 5 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि शुक्रदेव भी अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे होंगे धनु राशि में, और आपके बुध ग्रह भी अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे होंगे धनु राशि में। तो 5 दिसंबर के बाद शुक्र, बुध और फिर सूर्य भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि स्वास्थ्य, ये एक ऐसा टाइम रहेगा जब आपको स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी चिंता का विषय बन सकता है, या कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, कोई भी चीज़ करते टाइम आपको सोचना है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है। यहाँ पर पढ़ाई में भी थोड़ी चिंता आपको रहेगी और बिना वजह के आर्ग्यूमेंट से आपको बचकर रहना पड़ेगा। कोई भी कर्जा लेते हैं, कोई भी लोन लेते हैं, तो अपनी कुंडली का परामर्श आपको जरूर करवाना है इन 3 महीने में से। 5 दिसंबर के बाद थोड़ा सा समय आपके अनुकूल नहीं रहेगा क्योंकि शुक्र, बुध फिर सूर्य भी आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे होंगे, जिसमें व्यापार में चिंता, अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, आपका करियर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, करियर के मालिक बनते हैं शनिदेव, ठीक है, और शनि मार्गी हो रहे हैं 23 अक्टूबर में। शनि जब मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर में तो आपका कार्य तेजी से बढ़ने तो लगेगा, कार्य में आपका इंटरेस्ट भी आएगा। जो काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे, टेंशन बहुत ज़्यादा थी, शनि मार्गी हो रहे हैं 23 अक्टूबर में तो काम काज का प्रेशर ज़्यादा नहीं रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा 23 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर, ठीक है। शनि मार्गी हैं, मार्गी तो रहेंगे, लेकिन 5 दिसंबर से पहले अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी कार्य की शुरुआत, कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा करने की सोच रहे हैं तो 5 दिसंबर से पहले आप कर सकते हैं। 5 दिसंबर के बाद राशि के मालिक की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर आपको नहीं करना है। और स्किन, अपनी आँखें से थोड़ा आपको ध्यान रखना है, और सर दर्द या फिर वायरल से आपको थोड़ा बच के रहना होगा 5 दिसंबर के बाद से विशेष। वहीं दोस्तों, 24 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो रहे हैं वक्री से, और आपके 11वें घर में है। एक बात मैं आपसे बस कहूँगा कि फाइनेंशियल कोई चिंता का विषय नहीं है क्योंकि आपके गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे तो आपका फाइनेंशियल अच्छा रहेगा। 11th हाउस होता है प्रॉफिट का, प्रॉफिट भी होंगे। अगर आप वेट कर रहे हैं प्रमोशन का तो फिर नवंबर और दिसंबर में प्रमोशंस मिलने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है तो नवंबर और दिसंबर के महीने में नौकरी मिलने की संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। वहीं गुरु की दृष्टि आपके पंचम में पड़ेगी, संतान पक्ष मजबूत देखा जाएगा, संतान की तरफ से कोई बेनिफिट्स या कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, या संतान प्लानिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी इस बीच में, ठीक है। ये बताया दोस्तों मैंने 3 महीने आपके लिए कैसे हैं सभी कुछ। अभी जानते हैं क्या उपाय करने चाहिए आपको। सबसे पहले तो रोजाना शुक्रदेव का बीज मंत्र करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः 108 बार। इसी के साथ में दोस्तों, आपको सूर्य अस्त हो जाने के बाद में शनिदेव का बीज मंत्र भी करना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।